भाजपा इतनी गंदी पार्टी हो गई है, बहुत बड़ी राजनीति, गंदी राजनीति कर रही है। भाजपा बंगाल में चुनाव आ गया है, अपने चुनाव जीतने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के मरवा रही है। दंगा करने वाले लोग को अब सम्मानित करते हैं। जो 7 साल से भाजपा सरकार है, अब क्या उसको 270 साल मौका मिलना चाहिए क्या? अब कितना वो प्रधानमंत्री रहेंगे? आप तो बूढ़े हो गए, अब हमको लग रहा ऊपर भी जाने वाले हैं। एक कंगना रनावत उसी की बात कर रहा है जो किसानों को गाली देती है, देश की युवा जब रोजगार की बात करता है तो उसको गाली देती है। ये तो इमरान हाशमी के बेडरूम में ही अच्छी लगती है, हमारे लिए झांसी की रानी नहीं है। मोदी जी, ये देश कुरकुरे का पैकेट नहीं है कि टूट जाएगा। करते हैं उन लोगों को गिरफ्तार कीजिए, कंगना रनावत जैसे लोग को जो देशद्रोही लोग हैं, गिरफ्तार करना है तो वैसे वैसे लोगों को गिरफ्तार कीजिए। अन्नम गोस्वामी जैसे लोग जब हमारा देश का जवान शहीद होता है तो उस पर जश्न मनाते हैं, वो लोगों को गिरफ्तार कीजिए जो किसानों का अपमान करते हैं। उन लोगों को गिरफ्तार कीजिए, कंगना रनावत जैसे लोग को जो देशद्रोही लोग हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं। अमित शाह अपने बेटा को BCCI का चेयरमैन बनाते हैं लेकिन देश के युवाओं को रोजगार के बारे में नहीं बात करते हैं। दिशा रवि कौन है? एक सामाजिक कार्यकर्ता लड़की थी जिसके साथ लगातार अन्याय किया जा रहा, और एक कहा जा रहा है कि खालिस्तानी समर्थक के द्वारा देश को तोड़ा जा रहा है। अरे भाई मोदी जी, ये देश कुरकुरे का पैकेट नहीं है कि टूट जाएगा, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब ने मिलकर बनाया है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान है, इसको तोड़ना आसान नहीं है। तोड़ कौन रहा है? ये लोग तोड़ रहे हैं, भाजपा और RSS के लोग जो हम लोग को बांटना चाहते हैं, सिख जाट गैर जाट मुस्लिम हिंदू बैकवर्ड फॉरवर्ड ये लोग करना चाहते हैं। हम लोगों तो मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, और तुम जितना बदनाम करना है कर ले, तुम हमको डरा नहीं सकते हो। हम अपने अडिग है सवालों पर तुमसे जवाब सवाल करेंगे, तुम चाहे जेल में डालो चाहे फांसी पर चढ़ा दो, हम तुमसे सवाल करेंगे। तुमको वोट दिए हैं तो तुम ही से हम अपना हक और अधिकार लेंगे। लेकिन आप बताइए ना, किन लोगों ने यह घटना घटाया? दीप सिद्धू कौन था जो हेमा मालिनी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो है, और अभी भी 200 से ज्यादा किसान भाई जेल में बंद है जिन पे बिना FIR किए हुए, बिना सरकारी तंत्र, बिना कुछ किए डायरेक्ट उनको जेल में डाला गया है। ये कौन सा इंसाफ है? अभी भी किसानों को लगातार CBI और NIA और तमाम जैसी सरकारी संगठन को द्वारा उनको टारगेट किया जा रहा है। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो सरकार से सवाल करेगा, वो जेल में डाल जाएगा। अभिसार शर्मा न्यूज चक्र जो एक, मतलब एक बेहतर चैनल था, उस पे सरकार टारगेट कर रही है। पुनिया आपके जैसे एक सच्चा पत्रकार था, उस पे टारगेट कर रही है सरकार। जो किसान हक और आवाज की आवाज उठा रहे हैं उनको ये सरकार टारगेट कर रही है। जो सच्चाई दिखाता है उसको टारगेट किया जा रहा है, जो आपको आईना दिखा रहा है वो उसको टारगेट किया जा रहा है। आप बताइए ना, ये सरकार कह रही है कि मतलब किसानों को बदनाम करना चाहती है। मोदी जी, आपने शौचालय घोटाला किया, देश का सबसे बड़ा घोटाला होगा, और मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, कब तक किसानों को बदनाम करेंगे? अभी भी आपके पास वक्त है, 2 कदम पीछे हटिए, किसानों की मांग पूरी कीजिए। एक कंगना रनावत उसी की बात कर रहा है जो किसानों को गाली देती है, देश की युवा जब रोजगार की बात करता है तो उसको गाली देती है, देश का अन्नदाता जब सड़क पे आता है तो उसको गाली देती है, देश के आम आवाम को गाली देती है, तो देशभक्त कैसे हो सकती है? वो भक्तों के लिए झांसी की रानी है, हमारे लिए झांसी की रानी नहीं है। हमारे लिए झांसी की रानी वो है जो अंग्रेजों के खिलाफ, उनका देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों को सर को कलम कर दिया था, काट दिया था। ये लोग, ये तो इमरान हाशमी के बेडरूम में ही अच्छी लगती है, हमारे लिए झांसी की रानी नहीं है। और बात आपने देखा होगा, जब सुशांत सिंह राजपूत की जब आत्महत्या किए थे, उस समय राजनीति का नाश किया गया था, राजनीति किया गया था, षड्यंत्र रचा गया था, और उस समय कंगना बयान दे रही थी, उस समय यही कृषि कानून आया था, उसको कृषि कानून को ढकने के लिए इस चीजों को उजागर किया गया था। उस कंगना रनौत की बात करते हैं जो खाती है किसानों का लेकिन गाती है अडानी और अंबानी का। उस कंगना रनौत की बात करते हैं जो हमारे टैक्सों से उनका फिल्म चलता है और गाती है अडानी और अंबानी और मोदी जी का चमचागिरी करती है। वही सनी देओल बॉलीवुड के लोग जब चुनाव के समय आता है तो बोलते हैं किसान हमारे भगवान है, अन्नदाता हमारे भगवान है, लेकिन भगवान जब
रोड पर आता है तो भगवानों को गाली दिया जाता है, भगवानों पर तंज कसा जाता है। ये कौन सा न्याय है भाई? ये कहीं ना कहीं सरकार घमंड में चूर हो चुकी है और पूरे देश के लोग जो असली लोग हैं जो सवाल करेंगे वो देशद्रोही कहलाएंगे। देश के लोग कौन तोड़ रहा है देश को? वही तो मैंने पहले कहा कि देश कुरकुरे का डब्बा पैकेट थोड़ी है, कैसे ऐठे टूट गया भाई। ये देश, देश को आजादी दिलाने के लिए 90 सालों तक लड़ाई चली थी अंग्रेजों से, तब जाके हम आजाद हुए हैं, तब जाके हमारा लोकतंत्र बना हुआ है। इनके कहने से देश थोड़ी टूट जाएगा। देश तो ये लोग तोड़ रहे हैं, जो लोग आरएसएस के लोग हैं, जो अपने दफ्तर में तिरंगे झंडा को नहीं फहराते हैं, वो लोग देश को तोड़ रहे हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। अब देश वो लोग तोड़ रहे हैं कि किसान और देश के आम नागरिक में लड़ाना चाहते हैं। देश वो लोग तोड़ना चाहते हैं जो देश के अन्नदाता जवान और पुलिस में लड़ाना चाहते हैं, जवान और किसान में लड़ाना चाहते हैं। देश कौन तोड़ रहा है? ये कहीं ना कहीं इसलिए षड्यंत्र रचा जा रहा है कि देश के लोगों में बता दिया जाए कि ये देशद्रोही है, देश तोड़ना चाह रहे हैं। बताइए ना, जिस तरीके से बॉर्डर को सील कर दिया गया है, ये सरकार दिखाना चाहती है किसान आतंकवादी है और आतंकवादी दिल्ली आएंगे, दिल्ली को लूट लेंगे। अरे भाई, हम किसान हैं, देश का आम नागरिक है। जितना दिल्ली से तुम प्यार करते हो उससे 10 गुना ज्यादा हम दिल्ली को प्यार करते हैं। आप लोग खुद कहते हैं, आपने ही कल कहा गया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब उपद्रव कौन फैला रहा है, आप बताओ जरा। तोड़ने का मतलब क्या है? तोड़ने का मतलब है कि ये मोदी सरकार का घमंड तोड़ेंगे। अच्छा। ये रोड नहीं तोड़ेंगे, ये दुकान नहीं तोड़ेंगे। मोदी जी जिस घमंड में चूर है, जिस तनाशा में चूर है, हिटलर की रवैया अपनाते हुए उनकी घमंड तोड़ने की बात कही है हमने, और तोड़ेंगे भी। जब तक ये सरकार पीछे नहीं हटती है, हमारी मांग पूरी नहीं करती है, तब तक रहेंगे। और एक बात कल ये भी जिक्र किया था कि ये लोग अंग्रेज के चापलूसी करने वाले लोग हैं। अंग्रेज किस तरीके से तनाशा रवैया अपनाता था, ये लोग हिटलर को मानने वाले लोग हैं। जो हिटलर किस तरीके से तनाशा रवैया अपनाता था, उसी तरीके से ये लोग हैं। ये वीर सावरकर को मानने वाले लोग हैं, जो वही सावरकर जो अंग्रेजों को चापलूसी करता था। स्वामी विवेकानंद को भी तो मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी तो, स्वामी विवेकानंद को भी तो मानते हैं ना। स्वामी विवेकानंद जी को हम लोग भी मानते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के जो अच्छी बात है वो लोग नहीं मानते हैं। देखिए, महात्मा गांधी को ही मानते हैं, स्वच्छ भारत अभियान चलाया प्रधानमंत्री जी ने। देखिए, महात्मा गांधी को मारते तो महात्मा गांधी के हत्यारा नाथूराम गोडसे को कैसे ये लोग पूछते? नाथूराम गोडसे के पूजने वाले को अपने पार्टी में शामिल करके सांसद बना देते हैं कैसे? वो कह रहे हैं हर कहानी के दो पहलू होते हैं, तो उनका दूसरा पहलू भी देखिए। क्या पहलू देखे? महाराष्ट्र मालेगांव के जो आतंकवादी है, बम ब्लास्ट में दोषी है, उसको आप सांसद बना देते हैं और कहते हैं कि दो पहलू देखे। अब जब दंगा होता है, दंगा करने वाले लोग को आप सम्मानित करते हैं। रिंकू शर्मा जैसा एक आपस में रंजीश को लेकर मारपीट हो जाता है, मर्डर हो जाता है, उसको आप धार्मिकीकरण करने लगते हैं। उन्होंने तो कहा ना, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने साफ कहा बीजेपी के कि हमने नहीं, ये केजरीवाल और ये सब लोगों की मिली भगत है, ये लोग करवा रहे हैं ये सब। ये कहीं देखिए, भाजपा इतनी गंदी पार्टी हो गई है, बहुत बड़ी राजनीति, गंदी राजनीति कर रही है भाजपा। बंगाल में चुनाव आ गया है, अपने चुनाव जीतने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के मरवा रही है, हिंदू मुस्लिम करना चाह रही है। कार्यकर्ताओं के कैसे मरवा? इसलिए मरवा दी, उसको सत्ता से प्यार है, उसको सीट से प्यार है, उसको सत्ता से प्यार है, उस देश के आम नागरिक से प्यार नहीं है, उसको अपने कार्यकर्ताओं से प्यार नहीं है। अगर अपने कार्यकर्ताओं से प्यार रहता तो कार्यकर्ता का क्यों मरवाती बंगाल में? फिर यह रिंकू शर्मा की बात की है, रिंकू शर्मा से प्रधानमंत्री उसके परिवार वालों से क्यों नहीं मिलने गए? इस पे केवल राजनीति करेंगे, केवल दंगा फसाद करवाएंगे, लेकिन उसको इंसाफ नहीं दिलाएंगे। अगर आप इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो आप देश के आम लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो देश के आम आवाम की बात कीजिए, ना ही चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के आम नागरिक को दरकिनार मत कीजिए, यही कहेंगे मोदी जी। सरकार तो कहती है कि मतलब हम जनता के पक्ष में है और कोई भी डिसीजन हम जनता के लिए भलाई के लेते हैं, आप गलत उसका इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए ना, कौन सा सरकार कानून लाया जिससे आम नागरिक को फायदा हुआ? जीएसटी लाने के बाद देश के व्यापारियों को कमर टूट गई, अभी भी हमारा देश आर्थिक हालात से गुजर रहा है, आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। नोटबंदी हुआ जिसमें लाइन में लगने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग मर गए, उससे आतंकवाद कहां खत्म हुआ? सीए और एनआरसी आया, क्या
देश को फायदा हुआ, बल्कि तुमने देश के अल्पसंख्यकों को टारगेट करके रोड पर लाने का काम किया। 370 कश्मीर में हटाने के बाद क्या कश्मीर की हालत सुधरी? क्या नोटबंदी करने के बाद देश की हालत सुधरी? क्या यह कृषि कानून लाने के बाद किसानों की आय दोगुनी हुई? तुमने तो 2014 में कह रहे थे किसानों की आय दोगुनी करेंगे और इतना आय दोगुनी कर दिया कि किसान रोड पर आ गए। तुमने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, क्या तुमने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए? अब कहां भाई सरकार, ये कहां देश के आम की बात कर रही है, कहां देश के लोगों की बात कर रही है? बल्कि सोचिए ना, दूर का सोचिए, सरकार तो दूर दृष्टि से आई है ना। देखिए कितने सारे कानून जो पुराने पेंडिंग थे, 1500 कानून हटाए हैं ना सरकार ने, दूर दृष्टि से चल रही है ना वो। तो दो 7 साल से भाजपा सरकार है, अब क्या उसको 270 साल मौका मिलना चाहिए क्या? अब कितना वो प्रधानमंत्री रहेंगे? आप तो बूढ़े हो गए, अब हमको लग रहा है ऊपर भी जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों के परेशान कर दिए आप। केवल दाढ़ी बढ़ाते हैं लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ाते हैं, जीडीपी को माइनस में करते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं केवल आप। और कुछ लोग चमचे तो कहते हैं कि दाढ़ी से पाकिस्तान डर गया, चाइना डर गया। तो मोदी जी एक काम कीजिए, BSF, ITBP, CRPF, एयरफोर्स ने भी सबको घर बुला लीजिए और आप दाढ़ी बढ़ा लीजिए, पाकिस्तान खुद डूब जाएगा।